सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है और जो है वो लाजवाब है। अगर नशा करना ही है तो मेहनत का करो, यकीन मानो बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। सोच का फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। आज का पंचांग 25 अगस्त 2020, दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 12:22 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र दोपहर 1:59 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:36 से 5:12 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर सुबह 8:17 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। मेष राशि 24 अगस्त 2020, दिन मंगलवार, दिन की शुरुआत अच्छी खबर से होगी। आप काफी समय से जिस योजना पर काम कर रहे थे वह आज फलीभूत होगी। सहकर्मियों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। आप इस संबंधित कोई फैसला लेंगे जो भविष्य में लाभकारी साबित होगा। आज कहीं धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। संतान की पढ़ाई या विवाह से संबंधित बातें मुकाम पर पहुँचेंगे। धर्म और आध्यात्मिक कार्यों में भी समय व्यतीत होगा। आपके अच्छे स्वभाव की वजह से लोग आपका सम्मान करेंगे। आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। आज के दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। प्रोफेशनल तौर पर आज कुछ परेशानी हो सकती है, परंतु निजी जीवन में आपकी भावनात्मकता के कारण आप किसी बड़े तनाव से बच सकते हैं। आज अपने आप के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालें और अपनी देखभाल करें। जितना समय आप अपने आप को देंगे उतना ही शांत महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में आज फोकस की कमी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के कारण डेडलाइन पूरी करने में कठिनाई हो सकती है। युवा वर्ग इच्छा पूर्ति के लिए कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से वह मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहें। करियर संबंधी चुनाव को भी बहुत सावधानी पूर्वक करें। लव लाइफ की बात करें तो कुछ अच्छे वर्ग व विचार आपके द्वारा आपके साथी तक पहुँचे हैं। आपने कई बार अपने साथी को ये बताया है कि वो आपके लिए कितना महत्व रखता है, लेकिन अब कुछ कर गुजरने का समय है। अपने क्रियाकलापों से अपने प्रेम को सिद्ध करें और आज के दिन क्रियान्वित के लिए उपयुक्त है। आपके प्रेम के अभिव्यक्ति के द्वारा आपका साथी खुशी और आश्चर्यचकित महसूस करेगा। करियर की बात करें तो यह गतिविधियों और उपलब्धियों को याद करने या समर्थन करने का अच्छा समय है और ये आपकी उपलब्धियों को मजबूती देगा कि आप रास्ते पर प्रथम हैं। ये समय नई शुरुआत करने के लिए अच्छा है, चाहे वह नई परियोजना या एक नई नौकरी को लेकर हो। इस ऊर्जा को तब तक बनाए रखने की कोशिश करें जब तक आप अपने मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। सेहत की बात करें तो अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखें। त्योहारों के इस मौसम में इसकी उपेक्षा आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय है उपयुक्त खाना खाएं और हल्का अभ्यास जरूर करें, जैसे चलना, सीढ़ियां चलना या साइकिल चलाना आदि। आपका तेजी से चलने वाला दिमाग आपको खाने का पूरा मचा नहीं लेने देता। खाते हुए और किसी भी बात के बारे में ना सोचें, अच्छी तरह चबाकर खाना खाएं। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की आराधना करें। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।